अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेके आज हाजिर हैं अक्सर शबे तन्हाई में। इससे पहले एक प्रोग्राम हमने पेश किया, एक काविश थी जिसका यादिश बख़ैर नाम, रेडियो के हवाले से बातें हुई, रेडियो के हवाले से गुफ्तगू हुई। आज एक दूसरा प्रोग्राम अक्सर शबे तन्हाई में, जो हम कोशिश करेंगे हर मंगल को इसी वक्त आपके सामने हाजिर हो प्रोग्राम लेके। और जो दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम, बहुत मेहरबानी। और हमेशा वो हमारे साथ होते हैं, हमारे प्रोग्रामों में होते हैं। सामीन, आज सुबह जो ही सुबह का आगाज हुआ तो पूरा वतन अजीज सोग में डूब गया, पेशावर में बम धमाका, एक मदरसे में बहुत से लोगों की हलाकतें, शहादतें हुई, बहुत अफसोस हुआ। सुबह का आगाज ही उस खबर से हुआ तो पूरा मुल्क सोग में डूब गया, इंतहाई दुख तकलीफ कर्ब में रहा। अल्लाह ताला जो लोग जख्मी हैं उनको जल्द शिफायाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन, सुकून, प्यार, मोहब्बत की फिज़ा कायम करे और इन झगड़े, फसाद, दहशतगर्दी से हमेशा हमेशा के लिए हमें निजात मिले। बहुत शुक्रिया मास्टर महबूब अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया महबूब भाई, आप आए बहुत अच्छा लगा। जी दोस्तों, कुछ फॉर्मेट के हवाले से बात करते चलें कि आप इसमें, जैसा कि हमने पहले ही अनाउंसमेंट किया और इसके बैनर पे भी तहरीर है कि आप इसमें अपने अशआर सुना सकते हैं जो आपने ख़ुद कहे हों। आप अगर शायर हैं, अच्छी शायरी करते हैं तो अपने अशआर यहाँ सुना सकते हैं, अपने कलाम सुना सकते हैं, या फिर किसी भी शायर की उम्दा शायरी का इंतखाब करके उसे सुना सकते हैं। आप प्रोग्राम में व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी आवाज़ में शायरी सुना सकते हैं या वॉइस नोट के ज़रिए
हमें भेज सकते हैं, आप तहरीरी तौर पर भी हमें अपने पसंदीदा अशार भेज सकते हैं या आपके अपने अशार, वो भी हमें इरसाल कर सकते हैं। और अगर बराह रास्त आप हमें कॉल करें तो भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 0334-2959-328, 0334-2959-328, उर्दू में बता देता हूँ, 0-03342953328। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी जो भी अशार हैं, अपनी बातें, अपनी गुफ्तगु ज़रूर शेयर कर सकते हैं दोस्तों से। तो जैसा कि प्रोग्राम का नाम है अक्सर शबे तन्हाई में, तो पहली गज़ल का आगाज़ मोहतरमा मरहुमा रेशमा की आवाज़ में इसी गज़ल से करते हैं। आप सबकी नज़र अक्सर शबे तन्हाई में कुछ देर पहले नींद से, कुछ देर पहले नींद से गुजरी दिल। वाकई ये गजल जब आप रात की तन्हाई में, क्या खूब कहा है, अक्सर शबे तन्हाई में, तन्हाई में अगर आप सुने बहुत मजा देती है। बचपन याद दिलाया है, क्या हंसना कभी वो रोना और हंसना कभी फिर वो जवानी के मजे, वो दिल लगी वो कैसे, वो बहुत खूबसूरत गजल, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जो दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जो रोज़ शब रहता
क्या बात है, बहुत जबरदस्त। बहुत खूबसूरत गजल मैडम रेशमा की, बहुत जबरदस्त आवाज और बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया महबूब भाई, आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हैं। दोस्त अभी शायद इतनी जल्दी तो नहीं सोए होंगे, मुझे लग रहा है कि बहुत से दोस्त की मुझे कमी महसूस हो रही, शायद अभी कहीं मसरूफ होंगे। तो या फिर सो रहे होंगे, वर्किंग डे कल, तो जल्दी सोना, दिन छोटे रातें बड़ी हो गई, तो सो रहे होंगे। कोई शायरी आए किसी की, कोई अशआर आए तो प्रोग्राम में मजा आए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब रात में और गज़लें सुनी जाएं। बहुत पुरानी गज़लें, बहुत खूबसूरत गज़लें, पाकिस्तानी गज़ल के शहनशाहों ने जो गाई, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल को सुकून मिलता है उन गज़लों को सुनकर, और एक सारी पुरानी यादें जहन में आ जाती हैं। तो दोस्त आते रहेंगे इंशाल्लाह, शेर व शायरी का सिलसिला भी मैं उम्मीद करता हूँ आज रहेगा। उस्ताद मेहदी हसन साहब की आवाज़, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया। बहुत खूबसूरत गज़ल, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत अल्फाज। नहीं, एक और आपकी फरमाइश है मेहदी हसन साहब का, वो सब होगी इंशाल्लाह। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सागर हो गया, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सागर हो गया। पहले जा फिर पहले जा फिर, आप सब दोस्तों की नजर, फिर जाने जाना हो गए। रास्ता रखता हस्ती का सामने पहले जा फिर। मेहदी हसन की चंद खूबसूरत गजलों में से एक गजल, फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। रास्ता रखता बढ़ती गई इस हुस्न की राना, दिन ब दिन बढ़ती गई। वाह क्या बात, दिन बढ़ती गई इस हुस्न की राना। पहले गुल फिर गुल बदल, पहले गुल फिर गुल बदल, फिर गुल बदाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए। पहले जाओ फिर जाने जाओ फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता
चेयरमैन उस्मान बाजवा साहब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से, आप तो नजदीक से नजदीक तर। एजाज करीम भाई, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। आप तो नजदीक कर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, क्या बात है, पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के महिमा हो गए। रास्ता रखता हो, वालेकुम अस्सलाम एजाज भाई। पहले जाने फिर जाने जा, कैसी गुजर रही है, कैसा मौसम है। फैसलाबाद की क्या सूरत है आले मास्टर महबूब साहब। प्यार जब हद से बढ़ा, प्यार जब, यहाँ कुछ खुनगी है कराची में, लेकिन शायद आपकी तरफ ज्यादा सर्दी हो। मिट गए प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उम्र हो गए। हस्ती का समय, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रास्ता रख पाओ गए। क्या बात है जनाब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मेहदी हसन साहब की गज़ल, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि प्रोग्राम का नाम है, अक्सर शब तन्हाई में, तन्हाई में, और बहुत से दोस्त जो इस वक्त तन्हा होंगे, घर से दूर होंगे, जॉब के सिलसिले में, ज़ाहिर है वो वीकेंड पे घर जाया करते हैं अपने फैमिली के साथ। इस वक्त एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है, अगर उनके दस्तरस में नेट है तो तन्हाई में पुरानी गज़लें, और बहुत महजूज़ होते हैं इन गज़लों को सुनकर, बहुत अच्छे अशार होते हैं, बहुत अच्छे अल्फाज होते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। क्या बात है, दश्ते तन्हाई में मीशा शफी की गजल, उनकी गाई हुई। खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत बोल, बहुत खूबसूरत शायरी। लरज़ा है तेरी आवाज के साथ,
चेयरमैन उस्मान बाजवा साहब कहते हैं, मोहम्मद अबू बकर घुम्मन साहब ऑफ सांगला हिल जनाब की तरफ से तमाम रेडियो मेंबरान को और तमाम सुनने वालों को सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अबू बकर घुम्मन साहब।
पे, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो हमारे साथ हैं, हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम। कुछ अशार, कोई दोस्त अभी आए नहीं कि कोई अशार, चले कुछ हम सुनाए देते हैं। उस्ताद मोहतरम जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब के एक बहुत खूबसूरत नज़्म। हिजर की धूप में छांव जैसी बातें करते हैं, हिजर की धूप में छांव जैसी बातें करते हैं, आंसू में भी तो माँ जैसी बातें करते हैं। हिजर की धूप में छांव जैसी बातें करते हैं, आंसू भी तो माँ जैसी बातें करते हैं, रास्ता देखने वाली आंखों के अनहोने ख्वाब, रास्ता देखने वाली आंखों के अनहोने ख्वाब, प्यास में भी दरियाओं जैसी बातें करते हैं, खुद को बिखरते देखते हैं कुछ कर नहीं पाते, खुद को बिखरने देखते हैं कुछ कर नहीं पाते, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं। एक जरा सी जोत के बल पर अंधियारों से बैर, एक जरा सी जोत के बल पर अंधियारों से बैर, पागल दिए हवाओं जैसी बातें करते हैं, रंग से खुशबुओं का नाता टूटता जाता है, रंग से खुशबुओं का नाता टूटता जाता है, फूल से लोग खिजाओं जैसी बातें करते हैं। क्या खूबसूरत शेर। रंग से खुशबुओं का नाता टूटता जाता है, फूल से लोग खिजाओं जैसी बातें करते हैं, हमने चुप रहने का अहद किया है और कमज़र, हमने चुप रहने का अहद किया है और कमज़र, हमसे सुखन आराओं जैसी बातें करते हैं। बहुत खूबसूरत इफ्तिखार आरिफ साहब की बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत अच्छे अशार कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त। अकील अहमद मशरफ़ी साहब, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आप आए। तमाम सामेहीन को अकील अहमद मशरफ़ी साहब की तरफ से सलाम कबूलो, और अकील अहमद मशरफ़ी साहब का शुक्रिया कि वो हमारे साथ हैं। जी उस्ताद गुलाम अली साहब, एक और खूबसूरत गज़ल उस्ताद गुलाम अली साहब। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, बेहतरीन म्यूजिक, बेहतरीन आवाज, बेहतरीन शायरी। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। अजाब ये भी किसी और पर नहीं आया, अजाब ये भी किसी और पर नहीं आया, कि एक उम्र चले और घर नहीं आया। वाह। उसमें से नहीं मतलब, बहुत शुक्रिया मुशरफी भाई। उसमें से नहीं मतलब,
दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है हंगामा। इस एक ख्वाब की हसरत में जल बुझी आंखें, उस एक ख्वाब की हसरत में जल बुझी आंखें, वो एक ख्वाब के अब तक नजर नहीं आया। क्या बात, चोरी तो नहीं की है, हंगाम है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। करें तो किससे करें ना रुसवाइयों का गिला, करें तो किससे करें ना रुसवाइयों का गिला, सफर तमाम हुआ हम सफर नहीं आया। सूरज में लगे वाह वाह, फितरत के करिश्मे हैं, क्या बात की है रात की खामोशी और पुरसुरूर महफिल, क्या बात है जान, फितरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहें काफिर, क्या बात, हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है, क्या बात है, क्या बात है, क्यों बरपा, पीली है डाका तो नहीं डाला, डाका। रेडियो की दुनिया का मारूफ नाम, जानी पहचानी शख्सियत, मोहतरम जनाब मेहर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब को खुश आमदीद। रेडियो की बात हो, रेडियो का जिक्र हो और सल्फी भाई ना हो, मुमकिन ही नहीं। बहुत शुक्रिया सल्फी भाई, आप आए बाहर आए। थोड़ी सी जो पीली है, सल्फी भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज, बज़्म में तमाम दोस्तों खुश आमदीद। सल्फी भाई हमेशा उम्र छुपाते हैं, अब भी कह रहे हैं कि शुक्रिया बड़े भाइयों। ना तजुर्बा कारी से वाइस की ये बातें, क्या बात है, ना तजुर्बा कारी से वाइस की ये बातें, को क्या जाने इस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है हंगाम है क्यों बरबाद, थोड़ी सी जब पी है ताकत नहीं। चलें आप आए, बहुत शुक्रिया सल्फी भाई। चोरी तो नहीं की है, हंगाम है क्यों बरपा, थोड़ी सी जब पीली है। अजीब ही था मेरे दौर गुम रही का रफीक, अजीब ही था मेरे दौर गुम रही का रफीक, बिछड़ गया तो कभी लौट कर नहीं आया। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से,
हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, हम है तो खुदा भी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जपी है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, पानी धरे गर बबदरी सरे धरी बबदरी सब बबदरी सब बबदरी सब, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है। क्या खूबसूरत गजल, क्या बेहतरीन, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, क्या बात है महर अब्दुस्सत्तार भाई, सही, बिल्कुल, क्या बात है जनाब। एक नज़्म पेश करता हूँ। जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ समझा सकता था मैं, जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ समझा सकता था मैं, तुमने पूछा तो होता बतला सकता था मैं, आसूदा रहने की ख्वाहिश मार गई वरना, आसूदा रहने की ख्वाहिश मार गई वरना, आगे और बहुत आगे तक जा सकता था मैं, छोटी मोटी एक लहर ही थी मेरे अंदर, छोटी मोटी एक लहर ही थी मेरे अंदर, एक लहर से क्या तूफान उठा सकता था मैं, कहीं कहीं से कुछ मिस्र एक आद गजल कुछ अशआर, कहीं कहीं से कुछ मिस्र एक आद गजल कुछ शेर, एक पूंजी पर कितना शोर मचा सकता था मैं, जैसे सब लिखते रहते हैं गजलें नज़में गीत, जैसे सब लिखते रहते हैं गजलें नज़में गीत, वैसे लिख लिख के अंबार लगा सकता था मैं, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अशआर जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब के। आबदा परवीन का खूबसूरत आवाज, महबूब भाई ने अपने नाम के मुताबिकत से बड़ा खूबसूरत शेर तहरीर किया। हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल रहे फराज, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल रहे फराज, तमाम उम्र एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे महबूब भाई को हम सब ने अपना महबूब बना रखा है। महबूब भाई देख लें, तूने दीवाना बना रखा है। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, अब मुझे होश की, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आप हमें SMS कर सकते हैं, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, आप अपनी वॉइस में, आवाज़ में अपना कोई गज़ल, कोई शेर, कुछ भी हमें इरसाल कर सकते हैं, और उसके लिए हम आपके ममनून हैं। हेलो,
कैसे हैं? तेरी निगाह के अंदाज पाए जाते हैं। जी सल्फी भाई, सल्फी भाई ऑनलाइन, सल्फी भाई लाइव है। जी सल्फी भाई, अर्शद भाई बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम सुन के। हम पहले तो दूसरे लोगों के प्रोग्राम इस तरह सुनते थे, लेकिन अब हमारा अपना प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम शुरू है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अजीज कोशिश करेंगे कि अपनी शमूलियत लाजमी रखें इंशाल्लाह। शौक शायरी का तो इतना शौक नहीं है खैर, लेकिन ये है कि सुनने में मजा आता है जब आप पढ़ते हैं, तो अब उम्मीद करते हैं कि साथ इसी तरह बना रहेगा इंशाल्लाह। मुझे अभी महबूब भाई से बात हो रही थी फोन पे, तो उन्होंने बताया कि अर्शद भाई प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैंने ना देखा नहीं ग्रुप में, तो मसरूफियत थी। उन्होंने कहा चले उधर चलते हैं, तो फिर हाजिरी देना पड़ी। लेकिन अभी एक प्रोग्राम किया था, उससे पहले आप मसरूफ थे शायद गांव में, यादिश बखैर के नाम से, वो आपके लिए बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम इंशाल्लाह जुमेरात को फिर करेंगे। उसमें सिर्फ रेडियो की बातें रेडियो के हवाले से होंगी, और रेडियो के हवाले से सारी अपडेट, फ्रीक्वेंसी, प्रोग्राम, ये वो सब कुछ इंशाल्लाह। तो जुमेरात को भी अगर आप फारिग हों तो ज़रूर आइएगा, उसका टाइम होगा 8 से 9। लेकिन गालिबन आप जी ये है कि जुमेरात को तैयारियां होंगी मिलाद की, जी जी, और मस्जिद वगैरह सजाने में मसरूफियत होगी, तो उस दिन तो मुमकिन नहीं, और ना जुमे को। अगर लाहौर में हो तो नेटवर्क ठीक होता है, तो फिर शमूलियत हो जाती है। गांव में तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजना भी पड़ता है, तो मसले हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो चले देखेंगे फिर इंशाल्लाह। चले ठीक है, जान करीम भाई को, मास्टर महबूब को मेरा सलाम पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, फी अमानल्लाह। जी जनाब, सल्फी भाई की कॉल थी और सबको सलाम कह रहे थे, और बहुत अच्छा लगा सल्फी भाई ने कॉल की, बहुत अच्छा लगा कि वो शामिल हुए। हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल ये प्रोग्राम आपका है, आप भी कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपनी आवाज़ में कोई शायरी कोई पैगाम रवाना कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 03342959593280 03342959328। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, तुझे दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, क्या बात है। कॉल नहीं कर सकता, रूममेट साथ सोया हुआ है और मैं हैंड फ्री लगा कर सुन रहा हूँ। अर्शद भाई आप शामिल हैं, यही बहुत है एजाज भाई, बहुत शुक्रिया। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना।
आशिक क्या बात जफा नेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन वाले छाए हुए, बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान से पिछले प्रोग्राम में यादिश बखैर में एक दोस्त थे, वो आज नहीं आए, उनकी कमी मुझे बहुत महसूस हो रही। अगर वो बाद में भी प्रोग्राम सुने तो याद रखिएगा, हमने उन्हें याद रखा। बहुत खूबसूरत। तो तकरीबन एक घंटा हो गया, हमें एक घंटा होने को है, और बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का कि वो हमारे साथ हैं। एक बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छे शायर अब्बास ताबिश साहब की, आप तमाम दोस्तों की जो ये सुन रहे हैं उनकी नज़र करता हूँ। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम परिंदे, कहीं जाते हुए मर जाते हैं। खूबसूरत शेर इसी नज्म का। हम हैं सूखे हुए तालाब पर बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं।
किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं। क्या बात है मंजूर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। वालेकुम अस्सलाम। फैसलाबाद से मंजूर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास ताबिश साहब की कलाम के कुछ और अशआर, बहुत खूबसूरत शेर कहा था कि किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं, इनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। क्या बात है, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, ओहो ओहो, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा। अब्बास ताबिश साहब बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। हाँ तो मुन्नी बेगम कहाँ है, मुन्नी बेगम की आज एक गज़ल सुनते हैं, बहुत पुरानी, बहुत पुरसोज, बहुत अच्छी। मंजूर हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, पसंदीदी का बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत नवाजिश। लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मास्टर महबूब साहब कहते हैं कि मंजूर हुसैन मेरे साथी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं मास्टर रेडियो लिसनर्स क्लब के। वाह जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपको, एक बार फिर खुश आमदीद जनरल सेक्रेटरी साहब। मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में है वो, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मेहर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब कहते हैं मास्टर रेडियो लिसनर्स क्लब के तमाम मेम्बरान को पूरी इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन का सलाम। उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया,
अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया। अब सोचना ही है कि किधर जाना चाहिए, अब सोचना ही है कि किधर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। बैठे हैं हर फसील पे कुछ लोग ताक में, बैठे हैं हर फसील पे कुछ लोग ताक में, बैठे हैं हर फसील पे कुछ लोग ताक में। अच्छा है थोड़ी देर से घर जाना चाहिए, अच्छा है थोड़ी देर से घर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना। जी, मुन्नी बेगम की आवाज़ में। और पूरे 12 बजे, हमने 11 बजे से प्रोग्राम शुरू किया था और 12 बजे हमने इसका इख्तिताम करना था, सो 12 बजे। अब जाहिर है कल वर्किंग डे है, आप सबको भी सोना है, सुबह अपने रोज़गार पे जाना है। तो एक कलाम, नातिया कलाम सरवर कौनैन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिद्दत में कुछ दिन पहले तहरीर किया, मेरा अपना, आप दोस्तों की नज़र करता हूँ, अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए। और इस नातिया कलाम के साथ ही प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। हम आले मोहम्मद से सदा प्यार करेंगे, हम आले मोहम्मद से सदा प्यार करेंगे, हर लम्हा यूं हम मिद्दते सरकार करेंगे, आँखों से छलक जाएंगे अश्कों की रिदाएं, आँखों से छलक जाएंगी अश्कों की रिदाएं, हम रोज़े अक़दस का जो दीदार करेंगे, अल्लाह को है महबूब मोहम्मद का घराना, अल्लाह को है महबूब मोहम्मद का घराना, दुनिया में हम इस बात का प्रचार करेंगे। कहता है बुरा जो भी यहाँ प्यारे नबी को, कहता है बुरा जो भी यहाँ प्यारे नबी को, मलऊन को फिर दुनिया में हम ख़ार करेंगे। हुरमत पे अगर उनकी कोई हर्फ भी आया, हुरमत पे अगर उनकी कोई हर्फ भी आया, घर बार तो क्या हम जां भी निसार करेंगे। सरकार की हुरमत पे तो चढ़ जाएंगे सूली, सरकार की हुरमत पे तो चढ़ जाएंगे सूली, सूली पे भी हम मिद्दते सरकार करेंगे। अर्शी तो यूं ही उनकी मोहब्बत में लिखा कर, अर्शी तो यूं ही उनकी मोहब्बत में लिखा कर, महशर में शफाअत तेरी सरकार करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला करोड़ों दुरूद व सलाम हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इंशाअल्लाह ताला यादिश बखैर जो जुमेरात को होगा उसमें हम हमदिया और नातिया कलाम से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। रेडियो के हवाले से गुफ्तगू होगी, अगर वक्त मिले तो आप ज़रूर शामिल होइएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अरशद कुरैशी आपकी मोहब्बतों से इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।
अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, नहीं अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए, उनका ज़रूर ख्याल रखिए जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। फ़ी अमान अल्लाह, शब बख़ैर।